पुणे मुख्यालय वाली ड्रोन कंपनी का निर्गम मूल्य 52 रुपये प्रति शेयर था और लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर तुरंत सर्किट ब्रेकर की 5% ऊपरी सीमा पर बंद हो गए और 107.10 रुपये प्रति शेयर के उच्च स्तर को छू लिया। ड्रोन स्टार्टअप कंपनी ड्रोन आचार्य एरियल इनोवेशन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई है। द्रोणाचार्य स्टॉक ने बाजार में अपनी शुरुआत की और BSE SME बोर्स पर 102 रुपये प्रति शेयर पर 88% की बढ़त के साथ दिन की समाप्ति से पहले 100% प्रीमियम पर सूचीबद्ध हुआ। पुणे मुख्यालय वाली ड्रोन कंपनी का निर्गम मूल्य 52 रुपये प्रति शेयर था और लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर तुरंत सर्किट ब्रेकर की 5% ऊपरी सीमा पर बंद हो गए और 107.10 रुपये प्रति शेयर के उच्च स्तर को छू लिया। कंपनी ने कुल 26.92 लाख शेयरों का कारोबार देखा और पहले दिन 27.57 करोड़ रुपये का कारोबार किया। ड्रोन आचार्य के 33 करोड़ रुपये के इश्यू को 6,017 करोड़ रुपये की बोलियों के साथ 262 गुना सब्सक्राइब किया गया था। ड्रोन आचार्य के संस्थापक प्रतीक श्रीवास्तव ने कहा कि IPO से प्राप्त आय का उपयोग बुनियादी ढांचे के विस्तार और रक्षा खंड में प्रवेश करने के लिए किया जाएगा। रक्षा बलों द्वारा उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भार ले जाने के लिए रसद ड्रोन की मांग थी और उनके ड्रोन सड़क मार्ग से एक दिन की तुलना में 30 मिनट में डिलीवरी कर सकते थे। ड्रोन आचार्य पहले से ही रक्षा बलों और ड्रोन संचालन में प्रशिक्षण कर्मियों के साथ काम कर रहे थे। कंपनी 23 मार्च तक कई नए उत्पाद लॉन्च करेगी। मेड इन इंडिया ड्रोन के 85% घटक देश से और केवल 15% वैश्विक रूप से प्राप्त किए गए थे। ड्रोन आचार्य उच्च पेलोड ड्रोन लॉन्च करने के लिए भी तैयार हो रहे थे।